बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पापा खो गए पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बच्ची के जग जाने पर पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स जो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, बच्ची घबरा जाती है, सबको बोलते चलते देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि ये सारे कौन हैं, कैसे बोल रहे हैं, रात का अंधेरा है, उसका घर कहाँ चला गया, उसके पापा कहाँ चले गए, तो बहुत परेशान होती है और बड़े आश्चर्य से पूछती है कि क्या तुम बोलते भी हो। तो मैं वहीं से आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तो लड़की कहती, अरे तुम बोलते हो? तो लेटर बॉक्स कहता, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या? तो लड़की थोड़ा और आश्चर्य, अरे तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स बोला, हाँ आदमियों को देख देख कर। लड़की कहती, सच? लेटर बॉक्स कहता, उसमें क्या, थोड़ा चल कर दिखाता है, पर तू घबरा मत। अब क्या कहता है कि वो उसे अपने बातों में फुसलाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वो उसकी बात मान ले और शांत हो जाए। तो वो अपना चल के उसे दिखाता है, समझाता है, तो वो कहता है लेकिन तुम घबराओ मत। लड़की एकदम खिलखिला कर हंस पड़ती है, उसे बहुत मज़ा आता है। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। अब लेटर बॉक्स को कभी उसने अपने जीवन में बोलते और चलते तो देखा नहीं था। तो जैसे ही वो लेटर बॉक्स को चलते बोलते देखती है तो ताली बजा कर बड़ी खुश होती है कि अरे ये तो बोलता भी है, चलता भी है, तो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है खुश होकर। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। अब लेटर बॉक्स ने अपनी तारीफ करते हुए बताया कि मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ और तो और मैं भजन भी गाता हूँ। तो कहानी की शुरुआत हुई थी तो वो भजन ही गा रहा था जब कौवा सोचता है कि क्या बात है, कैसे सारे लोग जग गए। तो वो बताता है कि मैं भजन भी गाता हूँ। और फिर वो लेटर बॉक्स जो रहता है भजन की एक लाइन गाता है, सुनाता है उसे। लड़की, तुम तो बड़े मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स बोलता है, पर मैं लाल हूँ। अब लेटर बॉक्स अपना स्वरूप बताता है, देखो कि अच्छा तो हूँ लेकिन मेरा रंग कैसा है, एकदम लालो लाल। नासपीटो के पास जैसे कोई दूसरा रंग ही नहीं था। अब लेटर बॉक्स ने बच्ची को खुश करने के लिए कहा कि देखो तो भला, किसी को कोई और रंग मिला ही नहीं, उसने मुझे पूरे लाल रंग से पोत दिया, तो मेरा स्वरूप हो गया लेटर बॉक्स का लाल रंग का। तो कह रहा जैसे लग रहा सारा दुनिया का जो रंग था वो खत्म हो गया था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो। लेकिन लड़की लेटर बॉक्स को देख के बड़ी खुश हो जाती है, तो कहती है कि नहीं नहीं तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। अब बच्ची तो बच्ची, और वास्तव में जब वो इस तरह से बातचीत करते देखती है तो कहती है कि चाहे तुम कितना भी कहो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये सच नहीं लग रहा है कि तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा भजन ये सब सच हो, तो मुझे सच नहीं प्रतीत हो रहा है। सपना सा लग रहा है। तो लड़की कहती है कि मुझे ये सपना सा प्रतीत हो रहा है। लेटर बॉक्स, कभी नहीं देखी हुई ऐसी चीजें, देख लो, यूं ही लगता है, तू रहती कहाँ है? अब उसने समझाने की कोशिश की, बच्ची को फुसलाने की कोशिश की और कहता है कि तुमने कभी इस तरह की चीज़ें तो देखी नहीं थी, पेड़ को, खंभे को और लेटर बॉक्स को बोलते चलते, तो लो तुम्हें इतना सुंदर अवसर मिल गया है, देख लो इनके साथ भी तुम आनंद ले लो। तो ये बात लेटर बॉक्स जो है उसे उससे करता है ताकि वो बच्ची के साथ इतना घुल मिल जाए और ये पता लगा ले कि वो बच्ची आखिर है कौन, कहाँ से आई है, उसे कैसे चोर ने सोते में उठा लिया,
तो सारी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए वो ऐसा करता है। तब लाल ताऊ यानी लटर बॉक्स ने बच्ची से पूछा कि तू रहती कहाँ है? तो लड़की ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की ने उत्तर दिया कि मैं अपने घर में रहती हूँ। जैसे नादान भोले बच्चे होते हैं, उन्हें अपना एड्रेस पता नहीं मालूम होता, उनसे पूछिए तो वो यही जवाब देते हैं, सामने वाली गली में, उसमें मेरा घर है। तो सब ऐसे ही बताते हैं, तो लड़की ने भी वैसे ही बताना शुरू कर दिया। तो लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स कहता है कि बहुत अच्छे, सब लोग उसी तरह घर में रहते हैं, पर ये तेरा घर है कहाँ? अब लाल ताऊ ने उसे अपने विश्वास में ले लिया था और एक एक चीज पूछना शुरू करता है कि लड़की बता दे तो संभवतः उसे उसके घर तक छोड़ा जा सकता है। तो वो कहती है कि तू रहती कहाँ? तो लेटर बॉक्स ने पूछा कि तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, घर यह हमारी गली में है। तो अब लड़की ने उत्तर बहुत प्यारा सा एक उत्तर दिया कि घर कहाँ है? हमारी गली में। अब जिन बच्चों को अपने घर का पता नहीं मालूम होता, वे ही बच्चे इस तरह से उत्तर देते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं मेले में, मॉल में, ट्रेन में, उनके साथ ही बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर उनके पास उनका एड्रेस पता नहीं है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है और वो अपने घर के बारे में नहीं बता सकते, ऐसी स्थिति में बच्चा इसी नन्ही बच्ची की तरह अपना पता बताता है कि हमारा घर सामने वाली गली में है। तो एक एक चीज बताता जाएगा, ऐसे ही लड़की बता रही है, हमारी गली में है, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में होता तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? अब लेटर बॉक्स ने पूछा कि हाँ, ये तो सच है कि सब लोग अपनी अपने घर में रहते हैं और सबका घर किसी न किसी गली में होता है, और ये गली कहाँ है ये बता दो पहले। कुल मिलाकर वो उस बच्ची का पता जानना चाहते थे और पता जानने के लिए उन्होंने इतने सवाल किए और कहा कि ये घर कहाँ है बता दो। तो बच्ची को समझ में नहीं आया कहाँ बताए, तो उसने तुरंत प्यारा सा एक उत्तर दे दिया, यह गली कहाँ है? सड़क पर, आसान तो है मिलनी। तो उसने उत्तर दिया कि सड़क पर गली है और उसमें कठिनाई क्या है? सड़क के पास जो गली है उसमें मेरा घर है, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक एक बड़ी सड़क पर है, हाँ उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। अब बच्चे ने ऐसे अपना पता बताया कि हमारा घर जो है उस गली में है, गली जो है उस सड़क पर है और सड़क है खूब चलती फिरती है जिसपे तमाम लोग आते जाते रहते हैं। तो सारी बातों को वो बताती है और सब परेशान है कि इस पते के इस आधार पर बच्ची को कैसे छोड़ा जाए। तो यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में ही हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग, इससे चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? अब लेटर बॉक्स ने पूछा कि सब कुछ तो तुमने बता दिया कि घर, मैं घर में रहती हूँ, घर गली में है, गली सड़क पर है, सड़क सामने वाली गली के बगल में है, लेकिन इस सड़क का नाम क्या है, कैसे वहां पहुंचा जाए? तो ये जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। अब वो लाल ताऊ ने पूछा कि अरे वह तुम्हारा नाम, हमारी सड़क वाली घर, हमारे घर वाली सड़क। तो बच्चे ने कहा कि जो सड़क हमारे घर पे जाती है उसका नाम है।
अब देखिए ऐसी स्थिति में बच्चों के प्रति कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कितना कितनी परेशानी बच्चों दे देते हैं। बच्चों को अगर माँ बाप ने नाम नहीं रटाया, गली नहीं रटाया, घर परिवार मोहल्ला मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर नहीं रटाया, तो वो बच्ची को सही जगह नहीं पहुंचा सकते। तो वह तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की कहती ये सब कौन है, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। जब लड़की बिल्कुल हड़बड़ा कर पेड़ और खंभे की तरफ देखने लगती है कि यहाँ कोई और है, तो लेटर बॉक्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई नहीं है, घबराओ मत, जैसा तुम बता रही थी उसी जगह पर तुम हो। फिर हड़बड़ाकर नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था कि तुझे कोई तुझे मेरे कहे तो मुझे ऐसे कहे तो। तो लेटर बॉक्स ने उसे समझाने की कोशिश की और पेड़ खंभा कौवा सभी ठंडी सांसें लेते हैं कि कम से कम लड़की जो थी वो लेटर बॉक्स के साथ खुल मिल जा रही है। तो लेटर बॉक्स उससे पूछता है तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। तो लड़की कहती मुझे नहीं पता। जब बच्चे ऐसे में बहुत परेशान हो जाते हैं बार बार पूछने पर, तो या तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं और या सीधे कहते हैं मुझे नहीं पता, या रोना शुरू कर देते हैं, या वो रोना शुरू कर देते हैं। फिर लड़की ने अब लेटर बॉक्स को लगा कि इस नन्ही सी बच्ची को कैसे समझा जाए कि घर का एक पता होता है, पता कहाँ घर है, किस मोहल्ले में है, किस गली में है, कौन सा मकान नंबर है, कौन वहाँ आता जाता है, सब पता बताना वास्तव में पूरा पता है। तो लड़की कहती है, लेटर बॉक्स कहता है यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। तो लड़की कहती मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। अब लड़की ने इस तरह से ये दिखाया कि मुझे तुम्हारा बताया हुआ पता बिल्कुल नहीं आता है, काल्पनिक पता के आधार पर बच्ची अपना परिचय देती है। तो लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता। बीच में ही खंभा बोल पड़ता है कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप। तो लड़की पूछती है कौन बोल रहा है, यह कमाल है ऐं कौन, यानी कि उसने तो कभी ऐसे सुना नहीं था। तो जब उसको खंभे की आवाज़ लगी तो उसने कहा कि कौन हो तुम, क्यों बोल रहे हो, क्या चाहते हो। तो लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है और चुपचाप। लड़की कहती कौन बोल रहा कमाल है ऐं कौन। खंभा जीभ काट लेता है और नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही सुनाई दे रहा है वहां से ऊपर से, यानी लेटर बॉक्स ने समझाने की कोशिश की लड़की को कि नहीं नहीं तू घबरा मत, तुझे जो लग रहा है ऐसा नहीं है और ये कोई नहीं बोल रहा। सारे चुप हो जाते हैं, सारे जो अलग पात्र हैं वो चुप हो जाते हैं। मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। तो लड़की जिद पकड़ लेती है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सुनाई पड़ा है, अभी मैंने आवाज सुनी है। तो पेड़ कहता हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखना रखता है। लड़की देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है उस पेड़ पर से आई है।
अब लड़की बिल्कुल सीधे सही अनुमान से ये बताती है कि नहीं, मैंने जो आवाज़ सुनी वो आवाज़ आई थी और बिल्कुल सही आवाज़ थी, मैंने सुना है, ये गलत नहीं है। तो कोई ना कोई उस पेड़ के पास से बोल रहा है। तो पेड़ बिल्कुल अपना मुंह टहनी पे रखता है, तो लड़की कहती है देखो वहाँ वहाँ से आई है आवाज़, जरूर आई है, उस पर उस पेड़ पर से आई है। कौवा कहता मैंने नहीं की, और चोंच दबा कर रखता है। अब लड़की जो रहती है वो डरी डरी सहमी सहमी से लेटर बॉक्स के साथ तो थोड़ा वो घुल मिल गई, लेकिन लेटर बॉक्स के अलावा जब बाकी पात्रों को वो बोलते सुनते देखती है तो उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये सारी चीज़ें कैसे बोलती हुई प्रतीत होगी। तो लड़की कहती है देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो कौवा कहता मैंने नहीं की, और चोंच दबा कर रखता है। लड़की बोली कौन बोला यह, कौन बोला? तो कौवा कहता गधा है यह भी। फिर पेड़ ने उसकी बात का जवाब दिया, जब ना बोलना हो तो जरूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन बिगड़ जाता है और वह फिर से अपने पांव पर टिकाती हुई घुंघरू की आवाज करती हुई वापस चली जाती है। फिर लड़की कहती है वो देखो वहां कोई नाच रहा है, सभी एकटक उधर देखते हैं कि क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। लेटर बॉक्स प्यार से देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब लेटर बॉक्स ने उसको समझाने की कोशिश की कि तू घबरा मत, हम ही सारे लोग हैं, पेड़ खंभा कौवा और लेटर बॉक्स, हम ही सब मिलके चारों पांचों मिल करके हम चारों पांचों मिल करके हम जो हैं तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं। और चारों पांचों की आवाज़ वो सुनती है। फिर वो कहती भी है कि देखो घुंघरू की आवाज़ आ रही, कोई नाच रहा है, क्या है यह सच, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन है। अब नन्ही लड़की के मन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि कौन है। लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो। तो लेटर बॉक्स प्यार से देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं। तो लड़की कहती हम ही मतलब कौन, बताओ ना, जल्दी बताओ। लेटर बॉक्स कहता हम ही यानी हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंभा और यह कौवा भी। वह सिनेमा का पोस्टर उसे दिखाते हुए इशारा करता है। लड़की कसम से, कसम से। तो लेटर बॉक्स जवाब देता है कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कैसा भूत करते हैं तो सब घबरा जाते हैं। अब पेड़ खंभा और जो नाचने वाली का पोस्टर है वो आपस में बात करते हैं, तो कहते हैं कि देखो अगर हम आपस में बात करेंगे तो हमें इंसानों के बीच रहना नहीं है और इंसान हमें भूत बना समझेंगे, हमें भूत समझेंगे कि ये आवाज़ भूतों की है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं भूत। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करता है। और फिर लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर हंसने लगती है। तो लड़की कहती है सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। अब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है, खंभे नीचे बैठो, वो आप भी खड़ा है, बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी,
अब लड़की ने बिल्कुल जिद पकड़ ली कि जैसे तुम सब बात कर रहे थे ठीक वैसे ही तुम आओ, मेरी बात मानो और यहाँ बैठो। अब खंभा जो है वो लोहे का है, और जब लोहे का है तो वो बात करने से कतराता है और झुक कर बैठ नहीं सकता, तो वो बैठे कैसे। तो लेटर बॉक्स कहता, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। अब लेटर बॉक्स ने बच्ची को समझाने की कोशिश की कि देखो वो खंभा है, बैठ नहीं सकता, तुम उससे खड़े खड़े बात करो। फिर लड़की ने वो कहता लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की कहती क्यों, तो पेड़ कहता है क्यों, क्योंकि अब जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से बिल्कुल भी बैठा ही नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि खंभा मोड़ा नहीं जा सकता, और पेड़ उसकी सफाई देता है कि जब से इसको खड़ा किया गया है मेरे बगल में, मैं इसको इतने सालों से बिल्कुल खड़ा ही देखती चली आ रही हूँ, इसलिए ये बैठ नहीं सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वो उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है, उसका वो स्वरूप बिल्कुल कैसा है, लोहे का है, तो लोहे की चीज को मोड़ा नहीं जा सकता। लड़की बड़ी खुश हो जाती है। एक लड़का बैठ गया, एक लंबा लड़का बैठ गया। बच्चे बच्चों को चिढ़ाते हैं तो ऐसे ही गीत गाते हैं। खंभा सुकृति में गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो, और सब मिलकर बड़े यत्न पूर्वक से बैठाने लगते हैं। बैठने में उसे तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो किसी न किसी तरह बैठ जाता है। लड़की बड़ी खुश हो जाती है, ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया, लंबा लड़का बैठ गया करके वो गाने की पंक्ति बना करके किसी तरह से गाती रहती है। और फिर खंभे महाराज जो है जरा सुख महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। जरा सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, और सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। अब खंभे ने बताया कि वास्तव में मुझे तो बैठना मेरी प्रकृति में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं लोहे का बना हुआ हूँ, और लोहे का बना होने के साथ साथ मैं मुड़ नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता कि मैं मुझे बैठने में कितना कष्ट होता है। तो सारे लोगों ने कोशिश की कि इसको बैठा दिया जाए। खंभा सुकृति सोचा, गर्दन हिलाता है, फिर चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। हाँ चलो, सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। तो लड़की बड़ी खुश हो जाती है, ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया, यही गीत लड़की ताली बजा बजा कर गा कर गाती थी। सपने में बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की कहती है मुझे भी वैसा ही लग रहा है, जैसा मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में बैठना कितना अच्छा लगता है। तो लड़की कहती मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। अब लड़की बहुत आश्चर्यचकित होती है, न घर है न परिवार है, चारों ओर से खंभे, बिजली के पेड़ और कौवा, लड़की सब उसे घेरे हुए हैं, और सब घेर करके अपनी अपनी बात उससे कहते हैं। तो उसके बाद सब मिलकर बड़े से खंभे को बैठाते हैं।
बैठने में तकलीफ हुई लेकिन बैठ जाता है। ताली बजाती है लड़की, एक लड़का बैठ गया जी बैठ गया कहती है, जरा सा जरा सुख महसूस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं और जब बैठ जाते हैं तो खड़े होने का सपना देखते हैं। अब लेखिका ने ये बात समझाई कि जो चीज़ मनुष्य के पास नहीं होती उसी को वो पाना चाहता है। जब वो खड़े रहते हैं तो बैठने के लिए ललक, और जब बैठ जाते हैं तो खड़े होने की ललक। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसी चीज़ को तलाशते फिरते हैं, उसी चीज़ को हम अनुभव करते हैं, उसी चीज़ से हम को चाहते हैं कि हमें मिल जाए। तो लड़की बहुत आश्चर्यचकित हो कहती है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। लेकिन उसके मन में सवाल आता है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। अब लड़की से बार बार लेटर बॉक्स तो पूछ ही रहा था, तो लड़की ने उत्तर क्या दिया कि उसे तो खुद ही पता नहीं है कि लड़की कि कैसे वो वहां पहुंच गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं, पेड़ मैंने देखा था, तो जीप को दबा करके मैंने नहीं देखा यह कहकर, पहले उसने कहा कि मैंने देखा था, फिर उसको लगा कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, तो उसने तुरंत बात पलट दी कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। अब लड़की जो रहती है, एक लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर, खंभे को आंख मारकर, चलो ठीक है 0 तो 0 हो सही, अब हम सब खेले हैं, मतलब हम सब अब खेलते हैं। एक लड़की बार बार गिर रही थी, गिर रही है, तो जरा सोच कर कि मैं तुम्हें कैसे नाच दिखा सकता हूँ, नाच करके दिखाऊं। हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे दिखाऊं करके। तो बच्चे इतने चालाक प्रवृत्ति के नहीं होते, उनके अंदर भोलापन होता है। तो जैसे ही जो पेड़ खंभा, बिजली का खंभा, नाचने वाली और कौवा और लेटर बॉक्स है, उन्हें लगता है कि बच्ची को अब अपने घर की याद नहीं आ रही है और वो बिल्कुल घुल मिल गई है। तो पेड़ खंभे से धीरे से थोड़ी देर के लिए वहां आ जाएगा। लड़की कहती बड़ा मजा आया, एक बार लड़की गिर रही है, फिर बोलती है कि तुम्हें नाच करके दिखाऊं। तो बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ हाँ नाच करके दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है खंभे से धीरे से, कहा थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा, वही दुष्ट, वह बच्चे उठाने वाला। तो खंभा उत्तर देता है कि सचमुच, कौवे की तरफ मुंह करके कहता है सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। तो कौवा पूछता है किसके, क्योंकि सबने तो उसे देखा ही नहीं था कि वो बच्चा चुराने वाला है और चोरी करके ले जाएगा। तो वो एक बड़े से चीज में बंद करके भी बच्चों को बोरे वगैरह में रख देते हैं। तो बहुत बच्ची घुल मिल गई है, वो कहती है कि मैं नाच करके दिखाती हूँ। और तब खंभा धीरे से सरक जाता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। तो खंभा पेड़ का ये सवाल का उत्तर खंभा देता है कि कौन, तो पेड़ कहता वही दुष्ट बच्चे उठाने वाला। तो खंभा कहता हाँ सचमुच बात सही है, उसके आने का वक्त हो गया है। तो कौवा कहता किसके, तो खंभा फिर बताता है उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए, कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या।
तो अब कुछ बातें जो जैसे कोई एकांकी होती है तो कुछ बातें नाटक में एंकर द्वारा कराई जाती है, तो वैसे ही पोस्टर पे बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं, सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, तभी सब उसमें भाग लेते हैं, बीच बीच में एक दूसरे के कान में कुछ कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं, तभी वह दुष्ट आदमी आ जाता है, देखते ही सारे बिल्कुल निष्ठप बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, अभी सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे जो रहती है दुबक जाती है। अब आदमी जो रहता है मूंछ पर हाथ देकर बिल्कुल डट करके खड़ा हो जाता है और पेट को सहलाते हुए कहता, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की वहां सो रही थी, वह देखता है तो उसने जाके देखा कि लड़की सही में सो रही है। फिर उसने जैसे ही कोट हटाकर लड़की को ढूंढना चाहा, उसका चेहरा बदल जाता है, कहाँ गई वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है, और ढूंढने लगता है पेड़ खंभा लेटर बॉक्स पोस्टर इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आ जाती है। उस लड़की का ध्यान उस लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम को इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती, तभी एक कौवा चिल्लाता है, भूत भूत। अब इस कौवे की बहुत बड़ी भूमिका है। अब यहाँ से मैं अपनी कहानी के शेष अंश को अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी और आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।